Hey guys, what's up? So, summers आ रही है और समर्स में हम ज्यादातर क्या पहनते हैं टी शर्ट्स, क्योंकि टी शर्ट का मटेरियल सॉफ्ट एंड लाइट वेटेड होता है जिससे समर्स में इसे पहनने में अच्छा लगता है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप समर्स में टी शर्ट्स पहना करो, क्योंकि गर्मियों में टी शर्ट हमारे बॉडी को कूल रखता है जिससे हम फ्रेश फील करते हैं। पर टी शर्ट्स बहुत तरह के होते हैं, जिसमें से कुछ टी शर्ट्स ऐसे हैं जो पहनने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं बट स्टाइलिश नहीं होते हैं, और कुछ टी शर्ट्स ऐसे भी हैं जो पहनने में थोड़ा कम कंफर्टेबल होते हैं बट बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। और ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप टी शर्ट पहन के कंफर्टेबल और फ्रेश फील करो, पर साथ ही साथ आप स्टाइलिश भी लगो। इसीलिए आज मैं आपको 5 तरह के टी शर्ट्स के बारे में बताऊंगा जो हर काले या सांवले लड़कों के पास होनी ही चाहिए। और हाँ, पर ये टी शर्ट्स पहनने में थोड़े कम कंफर्टेबल जरूर है पर बहुत स्टाइलिश लगते हैं हमारे ऊपर। अब स्टाइलिश दिखने के लिए आप इतना कॉम्प्रोमाइज तो कर ही सकते हो, और कुछ लड़के टी शर्ट पहनते वक्त कुछ मिस्टेक्स करते हैं, इसीलिए आज मैं आपको टी शर्ट पहनने का सही तरीका भी बताऊंगा। उससे पहले, अगर आप लव डाक की ये पहली वीडियो देख रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं खुद काला हूं और मैं वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए बनाता हूं जो भाई काले या सांवले हैं, क्योंकि इस चैनल का मोटिव है कि मेरे तरह जितने भी काले या सांवले लड़के हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। सो नंबर 1 टी शर्ट जो हर काले या सांवले लड़कों के पास होनी ही चाहिए वो है एक राउंड नेक फुल स्लीव प्लेन टी शर्ट। अब मैं आपको समर्स में फुल हाथ वाले टी शर्ट पहनने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये टी शर्ट आपको गर्मियों में पहनने में थोड़े कम कंफर्टेबल जरूर लगेंगे, पर ये टी शर्ट बहुत स्टाइलिश और क्लासी लगते हैं हमारे ऊपर। और एक राउंड नेक फुल स्लीव प्लेन टी शर्ट के अनगिनत एडवांटेज है, जैसे इसका पहला एडवांटेज ये है कि गर्मियों में कॉलेज या ट्यूशन में सब लड़के अजीब कार्टून प्रिंटेड वाले हाफ हाथ वाले टी शर्ट पहन के आते हैं कम्फर्टेबल फील करने के लिए, और आप थोड़ा कम कम्फर्टेबल फील जरूर करोगे पर उस जगह अगर आप फुल हाथ वाले प्लेन टी शर्ट पहन के जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली बाकी सारे लड़कों से हटके और स्टाइलिश लगोगे। और इस टी शर्ट का दूसरा एडवांटेज ये है कि ये हमारे हाथ को धूप से टैन होने से भी बचाता है, जो मुझे इस टी शर्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज लगता है, क्योंकि हमारा स्किन डार्क है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने स्किन को धूप से प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने स्किन को धूप से प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो सन की हार्मफुल यूवी रेज हमारे स्किन को डैमेज कर देगी जिससे हमारा स्किन बेजान रूखा सूखा और अनअट्रैक्टिव लगेगा। इसीलिए अपने स्किन को धूप से बचाना बहुत जरूरी है, इसीलिए अपने हाथ के स्किन को धूप से बचाने के लिए फुल हाथ वाले टी शर्ट पहना करो, और अपने फेस के स्किन को धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाया करो। और अगर आप टी शर्ट पहन के ज्यादा अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो तो अगर आप कॉलेज या ट्यूशन के अंदर रहोगे तो ये टी शर्ट और बाकी के टी शर्ट जो मैं आपको बताऊंगा उन सभी के हाथ को मोड़ लेना, जैसा मैंने शर्ट वाले वीडियो में आपको बताया था। इससे आपका फोरआर्म दिखेगा जिससे आप अट्रैक्टिव लगोगे। पर हाँ, अगर आप धूप में कॉलेज या ट्यूशन के बाहर रहोगे तो टी शर्ट का हाथ खोल के ही रखना जिससे आपका हाथ धूप से प्रोटेक्टेड रहे। और ये टी शर्ट बहुत सारे कलर्स में आते हैं जैसे रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर हमारे ऊपर जो कलर के टी शर्ट अच्छे लगते हैं वो है ब्लैक, ब्लू, नेवी ब्लू और ऑलिव ग्रीन। और फुल स्लीव टी शर्ट राउंड नेक वाला ही लेना, क्योंकि ये टी शर्ट वी नेक वाला भी मिलता है, इसीलिए हर टी शर्ट राउंड नेक वाला ही लेना, क्योंकि वी नेक वाला टी शर्ट सिर्फ उन लोगों पर ही अच्छा लगता है जिसकी अच्छी खासी बॉडी हो, जिसके चेस्ट में अच्छा खासा मसल हो। इसलिए अगर आपकी बॉडी अच्छी हो तभी लेना, अदरवाइज वी नेक वाला टी शर्ट मत लेना। और सारे टी शर्ट प्लीज प्लेन एक कलर वाले लेना, मिक्स कलर वाले टी शर्ट या टी शर्ट में किसी ब्रांड का लोगो हो तो मत लेना, क्योंकि शर्ट के तरह टी शर्ट का भी कुछ नियम होता है। सो ये टी शर्ट और बाकी के टी शर्ट जो मैं आपको बताऊंगा उन सबको पहनने का पहला रूल ये है कि टी शर्ट हमेशा चेस्ट और शोल्डर में फिट होना चाहिए और पेट के एरिया में थोड़ा लूज होना चाहिए जिससे आप टी शर्ट पहन के कंफर्टेबल रहो। और दूसरा रूल ये है कि हमें दो कलर से ज्यादा वाले टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए, मतलब अगर एक टी शर्ट में दो कलर प्रिंटेड है तो आप उसे पहन सकते हो, पर अगर एक टी शर्ट में तीन कलर या उससे ज्यादा कलर प्रिंटेड है तो वो टी शर्ट बिल्कुल मत पहनना, क्योंकि टी शर्ट में दो कलर से ज्यादा कलर होने से टी शर्ट कलरफुल लगने लगता है जिसे पहनने के बाद एक लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कलरफुल टी शर्ट सिर्फ 13 साल के बच्चों पर ही अच्छा लगता है, 16-22 साल के लड़कों पर नहीं। और टी शर्ट का तीसरा और आखिरी रूल ये है कि अगर टी शर्ट में किसी ब्रांड का लोगो हो जैसे अडिडास, नाइक, पुमा, तो इस टाइप के टी शर्ट हमें बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि टी शर्ट जितना प्लेन होता है उतना ही मैच्योर और क्लासी लगता है। दूसरा टी शर्ट जो हर काले या सांवले लड़कों के पास होनी ही चाहिए वो है एक हेलनेट टी शर्ट। ये टी शर्ट बिल्कुल पहले वाले टी शर्ट की तरह ही है, बस इस टी शर्ट के गले में 3 या 4 बटन होते हैं जिसके वजह से इस टी शर्ट को हेलनेट टी शर्ट कहते हैं। और ये टी शर्ट हमारे ऊपर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हमें एक मैच्योर लुक देता है, और ये टी शर्ट उस जगह एकदम परफेक्ट तरह से काम में आता है जहाँ जब आपको कहीं जाना होता है पर उस जगह जाने के लिए आपको उतना तैयार होने का मन नहीं करता है, और साथ ही साथ आपको ये भी मन नहीं करता है कि उस जगह मैं सिर्फ एक नॉर्मल टी शर्ट पहन के जाऊँ, तो उस सिचुएशन में आप आंख बंद करके ये टी शर्ट पहन लो, क्योंकि हेलनेट टी शर्ट ना ही ज्यादा नॉर्मल
होता है और ना ही ज्यादा ओवर ड्रेस होता है। और ये टी शर्ट फुल हाथ वाले लेना। और हेलनेट टी शर्ट भी बहुत सारे कलर्स में आते हैं, पर पहले वाले टी शर्ट की तरह सिर्फ ब्लैक, ब्लू, नेवी ब्लू और ऑलिव ग्रीन कलर के टी शर्ट ही हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं। तीसरा टी शर्ट है पोलो टी शर्ट। ये टी शर्ट के नेक में शर्ट की तरह कॉलर होता है, जिसके वजह से इस टी शर्ट को पोलो टी शर्ट कहते हैं। और ये टी शर्ट उस जगह एकदम परफेक्ट तरह से काम में आता है, जहाँ जब आपको कहीं जाने के लिए फॉर्मल लुक करने का मन करता है पर गर्मी की वजह से आपको शर्ट पहनने का भी मन नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में आप पोलो टी शर्ट पहन सकते हो, क्योंकि ये टी शर्ट सेमी फॉर्मल होता है। मतलब ये टी शर्ट ना ही पूरे शर्ट की तरह होता है और ना ही पूरे टी शर्ट की तरह, ये दोनों का मिक्सचर होता है। मतलब ये दिखता है एकदम शर्ट की तरह पर कंफर्टेबल एकदम टी शर्ट की तरह होता है, इसीलिए इसे सेमी फॉर्मल टी शर्ट कहते हैं। और इस टी शर्ट के साथ मेरा फेवरेट सेमी फॉर्मल लुक ये है, एक प्लेन ब्लैक पोलो टी शर्ट, उसके साथ ग्रे कलर का चीनो और उसके साथ ब्लैक या ब्राउन कलर का लोफर और उसके साथ वॉच। ये लुक आप गर्मी में किसी भी फॉर्मल ओकेशन में करके जा सकते हो। और हाँ, ये टी शर्ट भी फुल हाथ वाले लेना। चौथा टी शर्ट है टर्टल नेक टी शर्ट। ये टी शर्ट सब टी शर्ट का राजा होता है और बाकी सारे टी शर्ट से ज्यादा स्टाइलिश होता है, इसीलिए आप इसे कॉलेज में या रेगुलर मत पहनना, आप इसे सिर्फ पार्टी, फंक्शन या शादी में ही पहनना, क्योंकि ये टी शर्ट बहुत ही ओवर ड्रेस होता है। और अगर आप इसे रेगुलर या कॉलेज या ट्यूशन में पहनोगे तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये टी शर्ट भी फुल हाथ वाले लेना। और ये टी शर्ट में दो ही कलर है जो हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं, वो है ब्लैक और व्हाइट। और व्हाइट कलर तभी अच्छा लगेगा जब आप इसके ऊपर कोई डार्क कलर का ब्लेजर या जैकेट पहनोगे तो। एंड फाइनली नंबर 5 टी शर्ट जो हर काले या सांवले लड़कों के पास होनी ही चाहिए, वो है हाफ स्लीव टी शर्ट। हाफ हाथ वाले टी शर्ट को मैंने टॉप 5 टी शर्ट में इसलिए रखा है क्योंकि आप गर्मियों में अपने घर या मोहल्ले में टी शर्ट ही पहनोगे, और घर में या अपने मोहल्ले में पहनने के लिए ये टी शर्ट परफेक्ट होता है, क्योंकि गर्मियों में फुल हाथ वाले टी शर्ट से कंफर्टेबल हाफ हाथ वाले टी शर्ट होते हैं। पर हाँ, हाफ हाथ वाले टी शर्ट पहनने के बाद धूप में ज्यादा घर से बाहर मत निकलना, वरना हाथ में टैन पड़ जाएगा। और हाफ हाथ वाले टी शर्ट आप चाहो तो एक कलर वाले भी ले सकते हो और चाहो तो लिखावट प्रिंटेड वाले भी ले सकते हो, पर कार्टून प्रिंटेड या ब्रांड नेम प्रिंटेड वाले टी शर्ट मत लेना। और ये टी शर्ट में सिर्फ ब्लैक, नेवी ब्लू, ऑलिव ग्रीन और ग्रे कलर ही हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं। और गर्मियों में आप एक चीज को जरूर फॉलो करना कि जब भी आप धूप में घर से बाहर निकलना तो सनस्क्रीन अपने फेस पे और हाथ पे लगा के जरूर निकलना, इससे आपका स्किन धूप से डैमेज नहीं होगा, जिससे फेस ग्लोइंग और फ्रेश रहेगा। तो ये थे वो 5 टी शर्ट्स जो हर काले या सांवले लोगों के पास होनी ही चाहिए। और इन 5 टी शर्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक कर आप चाहो तो खरीद सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप काले या सांवले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे को भी दबा देना। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, जिससे कि हर काले या सांवले लोगों की मदद हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए काले रंग को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बनाओ।